दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, ड्यूटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया, 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे, 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे, बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूंगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते हैं, जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया, और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है, मेरे ना होने के बाद वो वीडियो से रिलीज होते जाएंगे, जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान